जो ड्राइवर था कोरोमंडल का, उससे बात की, उससे पर्सनली बात की। वो उस समय होश में था, उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला है, बस इतनी बात हुई है। उसके बाद से उसकी हालत गंभीर है और वो अभी अस्पताल में है, सीरियस है। दूसरी चीज़, जो ट्रेन थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसका जो टीटी था उसमें A1 में उसमें जो टीटी था, उससे भी मेरी पर्सनली बात हुई। उसने मुझे बताया कि उसको पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी, बहुत ज़ोर की आवाज़ और बहुत एबनॉर्मल आवाज़। जब उसने वो पीछे की तरफ देखा तो उसे लगा कि कोई कुछ आ रहा है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। उसको समझ में नहीं आया कि क्या है। और उसके बाद उसके A1 कोच के पीछे एक और जनरल बोगी थी, उसके बाद एक और जनरल बोगी थी और लास्ट वो गार्ड का डिब्बा था। वो दोनों डिब्बे ट्रेन से डिटैच हो गए। इसका वाला पोर्शन जो A1 में आगे था, एक डिब्बा आगे था, और इसका वाला पोर्शन जो यशवंतपुर एक्सप्रेस का था वो आगे चला गया और सेक्शन में वो सेफली चला गया। लेकिन इसके पीछे ये जो दो डिब्बे हिट हुए, जिसकी उसको आवाज़ सुनाई दी और उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, वो डिब्बे पटरी से फिर गए। सो ये है एक टीटी से जानकारी, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव। सो दैट इज़ वॉट हैपन टू द यशवंतपुर। आर स्टाफ, लेट मी टेल यू, एंड जो गार्ड था, ये जो आयरन ओर की ट्रेन थी उससे भी मेरी बात हुई। वो इट इज़ प्रोविडेंशियल दैट हिज लाइफ वॉज सेव्ड, क्योंकि रेलवे का नियम है कि अगर कोई भी मालगाड़ी कहीं पे खड़ी है थोड़ी देर के लिए, तो उसका गार्ड, उसका ड्राइवर, उनकी जिम्मेदारी है कि ये गाड़ी सेफ है। तो वो लोग उतर के उस गाड़ी की जाँच करते हैं। तो वो जो है गार्ड उस समय उतरा हुआ था और वो उतर के ट्रेन की जाँच कर रहा था। उतने में ये हादसा हुआ और ये इंजन और ये सारी चीजें उसकी उसके उसकी जो ब्रेक वैन है जिसमें गार्ड चलता है उसको क्रश करके उसके ऊपर से इंजन गया है। अगर वो उसके अंदर होता तो उसके बचने का कोई सवाल नहीं था, बट ये ईश्वर की कृपा है कि वो उतरा हुआ था, अपनी ड्यूटी कर रहा था और